इंसान जानवर ही है, मैं जानवर के लिए ही जीता हूँ। ये प्राणी संग्रहालय नहीं, ये प्राणी सेवालय है। हमारा दुनिया ही जानवर, इसके लिए हम हमारे दुनिया में मस्त है, इसलिए हमें और कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये एक हमें प्रेरणा मिलती है सब मम्मी से। जिसके एक इशारे पर महल खड़े हो जाएं, वो बेजुबानों का संसार बनाने में जुट गया। वनतारा, एक ऐसी पहल जिसने बेजुबानों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा मिशन जिसने घायल जानवरों को नई जिंदगी दी। एक ऐसा जुनून जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। एक ऐसा कारनामा जिसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया। ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। एक ऐसा रिश्ता जिससे पूरी दुनिया एक डोर में बंध गई। एक ऐसा नौजवान जिसकी लगन और मेहनत ने चमत्कार कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को सेवा भाव का पाठ पढ़ाया। आंखों में हमदर्दी, दिल में प्यार, दिमाग में समर्पण, इरादे बुलंद और सपने अनंत। जिसके जहन में बेजुबानों का दर्द हो, जिसके कलेजे में सेवा का संकल्प हो, मोहब्बत जिसकी दुनिया की बुनियाद हो, और अनंत जिसके अरमानों का आसमान हो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। भारतीय संस्कृति में हर जीव को भगवान माना जाता है, क्योंकि हम हर जिंदगी को ईश्वर का रूप ही तो मानते हैं। इसीलिए भारत में जानवरों को भी पूजा जाता है, और जिसकी पूजा होती है उसकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। जानवरों की सुरक्षा के लिए भारत के पश्चिमी कोने पर एक ऐसी पहल हो रही है जिसकी तुलना जंगली जीव संवर्धन की दिशा में दुनिया में किसी से नहीं हो सकती। भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन ने जीवों की सुरक्षा के लिए वनतारा की शुरुआत की। यह देश का सबसे अनोखा अभियान है जिसमें ऐसे जीवों की सहायता के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं जो असहाय थे या हैं। हरे भरे जंगल, चहकती चिड़िया, आराम फरमाते जानवर, ये वो जगह है जिसका सपना अनंत अंबानी ने अपने बचपन में देखा था। उम्र यही कोई 8 या 10 साल रही होगी जब उन्होंने एक हाथी को काबू में रखने के लिए उसके महावत को उसे लोहे की छड़ों से मारते देखा। छोटे अंबानी के दिल पर उस घटना ने गहरा असर छोड़ दिया। अनंत वहां से तो अपने घर लौट आए, लेकिन वो दिन रात उस हाथी, उसके दर्द
और उस महावत के बारे में सोचते रहे। उनके दिमाग में बार बार ये ख्याल आता कि आखिर जानवर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। परिवार की पाठशाला में माँ नीता अंबानी ने अपने बच्चों को बचपन से ही जानवरों से प्रेम करने का पाठ पढ़ाया था। उसका असर भी अनंत के दिलो दिमाग पर था। हाथी और महावत की घटना ने उन्हें बेजुबान जानवरों के लिए जीने की सीख दी। अनंत जी, मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी उम्र के जो नौजवान हैं, उनका पैशन, उनका शौक वो बहुत अलहदा होता है। मतलब किसी को कार रेसिंग पसंद है, किसी को अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाकर अपना अपना सब कुछ बसाना पसंद है। आप जामनगर आ गए, आप लोगों के साथ कम और जानवरों के रेस्क्यू में। मेरा जान जानवर ही है, मैं जानवर के लिए ही जीता हूँ। और ये मैं कुछ भी हो जाए, दिन में 2 घंटा मैं जानवर रोज हर दिन 2 घंटा जानवरों के लिए मैं काम करता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं कितने जानवर को दिन में बचा सकता हूँ। मैं सोने पहले आज कितना का मैंने भला किया और मैं कितने का भला कर सकता हूँ, और इससे मुझे अच्छे से नींद आ जाती है। अनंत अंबानी बताते हैं कि जानवरों की सेवा से उन्हें अच्छी नींद आती है, और ऐसा वनतारा प्रोजेक्ट के आने के बाद नहीं, बल्कि वो इसे अपने बचपन की आदत बताते हैं। उन्होंने बताया कि माँ नीता अंबानी ने घर में ही 25 से 30 कुत्ते पाल रखे थे, वो भी स्ट्रीट डॉग्स। माँ नीता ने बच्चों को शुरू से ही सिखाया कि जानवरों की सेवा से बड़ा पुण्य कुछ और हो ही नहीं सकता, तो बेटे ने इसे अपना पैशन बना दिया। ये मेरा पैशन है, और ये तो मेरा एक, हमने ये पूरा ये सोच रचाया था बचपन से ही। माताजी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। तो बचपन से ही मैं, मेरे घर में माताजी मेरे से पहले जब वो छोटे थे उन्होंने 20-25 कुत्तों को पाला था घर पे। और मुंबई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है 20-25 कुत्ते घर पे फ्लैट में रखना। सेंटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले। और माताजी ने मुझे सिखाया कि जो बेजुबान जानवर है उसका सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी पुण्य वाली सेवा है और वही धर्म है। अनंत अंबानी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, जानवरों के प्रति उनकी करुणा, उनकी संवेदना वैसे वैसे बढ़ रही थी। इसी बीच उनका मैक्सिको जाना हुआ। मैक्सिको में वो एक सर्कस में पहुंचे, वहां उन्होंने एक बूढ़े शेर को देखा। वो शेर ऐसा था मानो उसे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है। तब वो और मार्मिक हुए, और शायद ये दृढ़ इच्छा तब जागी कि जानवरों के प्रति, इन बेजुबानों के प्रति करुणा का भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। मैक्सिको में ही अनंत अंबानी ने ठान लिया कि वो जंगली जानवरों के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। मेरे पापा हमें हमेशा जंगल ले जाते थे, रणथंभौर, गीर, बांधवगढ़, काजीरंगा, पेंच, हम सब बचपन में जंगल। पापा खाली एक ही समय पापा हमें छुट्टियां में लेके जाते थे, वो जंगल होता था। हम और कहाँ छुट्टी जाते ही नहीं थे, जंगल। तो हमें वाइल्ड लाइफ पर बहुत प्रेम था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया और मैं समझता गया, मैंने सोचा कि वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ काम किया जाए। मैं मैक्सिको गया, तो मैक्सिको में तो सर्किसेस अभी भी अलाउड थे। मैक्सिको में ऐसे थे कि शेर के लिए खाना नहीं था और शेर भूखे मर रहे थे। मैं सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। भारत में रोड एक्सीडेंट से तेंदुआ गिर जाता है, रोड एक्सीडेंट से कभी कभी टाइगर जो बाघ है उसको चोट पहुंच जाती है, भालू जो रीच होता है उसे भी कभी कभी बहुत दिक्कत में आ जाती, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुआं में गिर जाता है, कभी तो कैंसर हो जाता है। तो हमें सोचा कि वाइल्ड लाइफ के लिए, पशु के लिए, जो हमारे जो साधारण पशु है, जो फार्म एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कम लोग हैं। मैंने इसीलिए वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करने का। मैक्सिको से लौटने के बाद अनंत के दिमाग में जंगली जानवरों के लिए कुछ करने की प्लानिंग चलने लगी। वो उस दिशा में सोचने लगे, लेकिन समस्या ये थी कि शुरुआत कहां से और कैसे की जाए। धन कुबेर पिता के बेटे अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मैक्सिको वाली घटना और जानवरों के लिए अपने प्रेम की कहानी अपनी माँ नीता अंबानी को बताई।
माँ ने टीम बनाने की सलाह दी तो पिता ने सुझाव दिया कि बेजुबानों के लिए कुछ करना ही है तो ऐसा करो कि वो दुनिया में सबसे बड़ा हो। अनंत अंबानी के मन में ये विचार आया तो वो पहला शख्स कौन था जिसे आपने जाकर ये बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ और उसका रिएक्शन क्या था? मम्मी थे, मम्मी को मैंने बताया। मम्मी ने पहले बार कि इसलिए आपको टीम जरूर, अकेले आप नहीं कर सकते हो तो आप एक टीम खड़ा करिए। पापा के पास गया तो पापा ने बोला कि अगर करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा करिए, करना है तो जो भी करना है दुनिया का सबसे अच्छा होना चाहिए तो ही आप करिए और इससे जानवरों का भला होना चाहिए। अगर आप जानवर का भला के लिए करना चाहते हैं तो जानवर, बट करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा। तो मैंने उस तो ये दुनिया का सबसे अच्छा मैंने बहुत कोशिश की, आपने तो पूरा घुमाई होगा। फिर क्या था, इसके बाद अनंत अंबानी दिन रात भुलाकर अपने सपने और सोच को आकार देने में जुट गए और उस मेहनत का नतीजा आज जामनगर में पूरी दुनिया के सामने है। अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट वन तारा जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। मतलब अनंत अंबानी के अंदर जानवरों की सेवा करने का जुनून इस कदर भरा है कि वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। बचपन से ही अनंत अंबानी जानवरों से प्यार करते थे, उनका दुख दर्द समझने की कोशिश करते थे। उन्हें जानवरों की सेवा करने की यह सीख अपने घर वालों से मिली। उन्होंने अपने परिवार के लोगों से यह जाना कि कैसे बेजुबान जानवरों की सेवा की जा सकती है। उन्होंने अपने बचपन की कई ऐसी कहानियां भी बताई जिसने उन्हें जानवरों की सेवा करने के लिए प्रेरणा दी और इसीलिए अनंत अंबानी ने उन असहाय जानवरों की पीड़ा खत्म करने के लिए एक ऐसा जंगल तैयार कर दिया जिसे देखकर पूरी की पूरी दुनिया दंग रह गई। अनंत अंबानी, ये नाम आज पूरी दुनिया में सम्मान और गर्व से लिया जा रहा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उनका जुनून, वो जुनून जिसकी वजह से उन्होंने जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर बना दिया। एक ऐसी दुनिया बना दी जिसके बारे में लोग सिर्फ किस्सों में और कहानियों में सुना करते थे, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए उनकी मोहब्बत उनके इस अद्भुत कारनामे की बुनियाद बन गई। अनंत अंबानी के जीवन का सबसे बड़ा मकसद जानवरों की सेवा है, उनकी मदद करना, उनके दर्द को समझकर उनका इलाज करना है। लेकिन उनके अंदर जानवरों को लेकर ये लगाव कोई एकाएक पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो बचपन से ही इस तरह के जानवरों के साथ एक अनोखा रिश्ता बना लेते थे। वो बताते हैं कि जानवरों के प्रति लगाव रखना और उनसे प्यार करना उन्होंने अपने घर वालों से सीखा। अनंत अंबानी बहुत पैशनेटली अपने बचपन को याद करते हैं। वो ये बताते हैं कि मुंबई में जहां वो रहा करते थे वहां से कुछ ही दूरी पर एक बूचड़खाना था। वो हर रविवार अपने दादा धीरूभाई अंबानी के साथ वहां जाते थे सिर्फ इसलिए ताकि वहां पर बछड़ों को वो खरीद सके, और वो खरीदते तो उनकी जान बच जाती। और कुछ ऐसा ही वो हर मंगलवार को अपने नाना संग किया करते थे। उनके नाना सामने ही उनके घर के एक मटन शॉप हुआ करती थी, वहां बकरे बंधे रहते थे, उन बकरों को खरीद लिया करते थे। मकसद उन बकरों की जान बचाना था। मतलब पूरा अंबानी परिवार कई दशकों से बेजुबान जानवरों की सेवा में जुटा है। दादा और नाना से मिली सीख अनंत अंबानी के दिलो दिमाग में बैठ गई। बड़े हुए तो उनकी माँ नीता अंबानी के जुनून को देखकर वो जानवरों के लिए कुछ करने का इरादा पक्का कर गए। उन्होंने जानवरों के लिए कुछ करने का अपना इरादा और पक्का कर लिया। वो बताते हैं कि उनकी माँ नीता अंबानी को भी जानवरों से बेहद लगाव है। जब वो छोटे थे तो उनकी माँ मांझे से कटे कबूतरों को बचाया करती थी, उनका इलाज करती थी। वहीं से उनके अंदर जानवर से प्रेम करना और उनके लिए कुछ करने का जज्बा बढ़ता चला गया। इससे ज्यादा मेरी जो मम्मी है वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया और वो खुद, मतलब मम्मी ने हमें जब कबूतर मांझा से कट जाते थे तो मम्मी, जब हम छोटे थे मम्मी उनको घर पे लाते थे, मम्मी पालते थे, उनका पोषण करते थे। मम्मी ने घर पे एक बाज का बच्चा
जब छोटा था गिर गया था झाड़ से, उसको भी बड़ा किया और छोड़ा। मम्मी ने हमें नीचे घर पे, हमारे बहुत बिल्ली होते थे उनके दो दूध, हम सब बच्चे लोग, मैं, मेरे भाई, मेरी बहन सब दूध लेकर जाते थे। तो हमारा दुनिया ही जानवर, इसके लिए हम हमारे दुनिया में मस्त है, इसलिए हमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और काम तो काम होता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी, बट जानवर के लिए हम ये एक हमें प्रेरणा मिलती है सब मम्मी से और सबसे कि हम जानवर के और काम करें। ये तो आपको मैं अभी भी बोला, जो आप देखा ये तो खाली एक छोटी सी झांकी है। अनंत अंबानी बड़े हुए तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद जानवरों की सेवा करना बना लिया। बेजुबान, घायल और शोषित जानवरों को बचाने और उनका ख्याल रखने के लिए उन्होंने बकायदा जानवरों के लिए दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू सेंटर की शुरुआत कर दी। जहां देश ही नहीं बल्कि विदेश में बंदी रखे गए घायल जानवरों को भी लाकर उनका इलाज किया जाता है। जामनगर में अनंत अंबानी के वनतारा में लाए गए जानवरों का इलाज करके उन्हें जीवन दान दिया गया। इस सेंटर में जानवरों के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो शायद ही दुनिया में कहीं और मौजूद हों। अब आपको वनतारा में बचाए गए हाथी मोती प्रसाद और हथिनी लीलावती की कहानी भी बताते हैं। दोनों को बेहद बुरी हालत में रेस्क्यू कर जामनगर लाया गया था, लेकिन अनंत अंबानी और उनकी टीम ने मिलकर मानो चमत्कार कर दिया हो। कुछ ही महीनों के अंदर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे दोनों ही हाथियों की सेहत में सुधार देखा गया। यह है हथिनी लीलावती। लीलावती अपने पैरों पर खड़ी है और वनतारा में मस्त चाल से चलती है, लेकिन कुछ महीने पहले ऐसा नहीं था। लीलावती जब वनतारा पहुंची थी तब उसकी हालत बहुत खराब थी। शरीर का 90% हिस्सा जल चुका था। लीलावती के शरीर के पिछले हिस्से में जख्म के गहरे निशान आज भी दिखते हैं, लेकिन वो अब भर चुके हैं। ये चमत्कार हुआ अनंत अंबानी की टीम की कड़ी मेहनत और लगन से। लीलावती की सेवा के लिए वनतारा में डॉक्टर्स की टीम ने दिन रात एक कर दिए। दवा के साथ लीलावती की देखभाल भी इस तरह की गई कि वो जल्दी ठीक हो सके। इसके लिए वनतारा रेस्क्यू सेंटर में डॉक्टरों ने एक स्पेशल ऑक्सीजन बैरक बना दिया है। ऑक्सीजन से जख्मों की भरपाई जल्दी होती है और यही वजह है कि लीलावती को दिन भर इसी चेंबर में रखा जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनों से लीलावती की देखरेख होती है। दरअसल हथनी लीलावती एक सर्कस में थी। सर्कस में एक दिन करतब दिखाते वक्त अचानक आग लग गई। आग लगते ही सभी लोग वहां से भाग निकले, लेकिन लीलावती पूरी तरह से जल गई। लेकिन वनतारा में अनंत अंबानी की टीम ने लीलावती का इलाज करके उसे दोबारा जीवन दिया। कुछ ऐसी ही कहानी है हाथी मोती प्रसाद की। वो जब वनतारा रिसर्च सेंटर लाया गया था तो उसके पैरों के घाव इतने गहरे थे कि लगा अब ये जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन अनंत अंबानी की टीम के डॉक्टर्स और पूरी टीम ने ठान लिया कि मोती प्रसाद को पूरी तरह से ठीक करके ही रहेंगे। चुनौती ये थी कि इतने बड़े जानवर का इलाज करे तो करे कैसे, क्योंकि घाव और दर्द की वजह से हाथी मोती प्रसाद बहुत गुस्सैल था। इलाज के दौरान वो हमला भी कर सकता था, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने सभी मुश्किलों को दूर करते हुए इस हाथी का न सिर्फ इलाज किया बल्कि उसकी देखरेख के लिए एक महावत को तैनात किया जो दिन रात इसकी सेवा करता। आज मोती प्रसाद दूसरे हाथियों के साथ वनतारा में पूरी मस्ती से दौड़ता है। अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा में 200 से ज्यादा हाथियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। दुनिया के इस सबसे बड़े रिसर्च सेंटर में सिर्फ हाथियों के लिए ही 25,000 वर्ग फीट में एक विशाल काय अस्पताल बना है। इसमें खास तरह की एक्सरे मशीन और लेजर मशीनें लगी हैं। हाथियों के लिए खास तरीके के शेल्टर बनाए गए हैं। वनतारा में आने वाले हाथियों के लिए स्पेशल पूल्स और जकूजी भी है जो हाथियों में सबसे ज्यादा होने वाली गठिया बीमारी को सही करने में मदद करती है। We'll be right back.
वनतारा के गजवन में हमने देखा कि गजराज की देखरेख के लिए आयुर्वेदिक तरीकों का भी इस्तेमाल होता है। मुल्तानी मिट्टी, नाना प्रकार के तेल से उनकी मालिश होती है। आयुर्वेद के जानकार डॉक्टर्स दिन रात एक करके उनकी देखरेख करते हैं। यानी जामनगर की जमीन पर अनंत अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट में जानवरों के लिए वो सुविधाएं मौजूद हैं जो दुनिया में शायद ही कहीं मौजूद हो। यहाँ 5-स्टार सुविधाओं वाला अस्पताल, जानवरों के रहने के लिए खास इंतजाम और उनकी देखरेख के लिए एक्सपर्ट की पूरी टीम मौजूद रहती है। और कोरोना काल के दौरान शुरू हुए वनतारा प्रोजेक्ट का मकसद हर तरह के घायल जानवरों को रेस्क्यू करना और उन्हें बचाना है। घायल जानवर चाहे देश में हो या विदेश में, उनका तत्काल संरक्षण प्रोजेक्ट का मकसद है। अनंत अंबानी ने दादा धीरू भाई अंबानी और मां नीता अंबानी से मिली सीख और अपनी मेहनत के दम पर ऐसा कारनामा कर दिया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। जामनगर में जानवरों के लिए एक ऐसा जंगल खड़ा कर दिया जिसका नाम पूरी दुनिया में चमकने लगा। जामनगर की जमीन पर बने वनतारा प्रोजेक्ट के लिए अनंत ने दिन रात एक किया, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने जंगल और जानवरों को बचाने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। वनतारा यानी स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। वनतारा एक ऐसी पहल है जिसके तहत हर तरह के घायल और शोषित वन्य जीवों को बचाकर उनकी जिंदगी बचाई जाती है। उन जानवरों को वो माहौल देने की कोशिश की जाती है जहां वो बगैर किसी परेशानी के रह सके। मतलब वनतारा प्रोजेक्ट जानवरों के पुनर्वास को समर्पित है। रिलायंस इंडस्ट्री के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की ग्रीन बेल्ट में वनतारा के लिए 3,000 acres की जमीन दी गई और वहीं इस इलाके को हरे भरे जंगल की तरह विकसित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जानवरों की देखरेख और उनकी जिंदगी को संवारने के लिए यह अपनी तरह का देश का पहला प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनका मानना है कि बेजुबान जानवरों की सेवा करना उनकी सबसे बड़ी सेवा है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रोजेक्ट टाइगर को ले लीजिए, जो कीनिया से तेंदुए लाए गए थे, उनको चीता लाए गए थे। प्रधानमंत्री तो हम सबके लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने जो भारत के लिए किया है और जो वाइल्ड लाइफ के विषय में किया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल किया। प्रोजेक्ट लायन जो गिर में है, जो एकदम दुर्लभ है, उनके कारण सफल उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम उनका 0.5% भी जानवर के लिए करें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, कर सकते हैं। हम भी जितना हमारे से होता है हम जानवर के लिए करते हैं और उनका जो उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो कुछ अलग ही महसूस होता है, एक अलग ही पावर आ जाता है कि हम और कुछ करें। वनतारा प्रोजेक्ट में 200 हाथियों समेत हजारों जानवरों को बचाया जा चुका है। इसके अलावा 300 से ज्यादा तेंदुए, बाघ और शेरों को भी रेस्क्यू किया जा चुका है। 3,000 से ज्यादा शाकाहारी जानवर और 1,200 रेंगने वाले जानवर जैसे मगरमच्छ, छिपकली, सांप और कछुए भी बचाए गए हैं। मतलब वनतारा में बिल्ली से लेकर हाथी तक के लिए खास इंतजाम है। वनतारा को जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट एरिया में बनाया गया है। ये एनिमल शेल्टर 3,000 acres के इलाके में फैला है जिसे एक जंगल की तरह बनाया गया है। रेस्क्यू सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर को 650 acres के इलाके में बनाया गया है। वनतारा में जानवरों के लिए 14,000 square feet इलाके में एक खास किचन भी मौजूद है जहां अलग अलग जानवरों की शारीरिक जरूरतों के हिसाब से डाइट तैयार की जाती है। वनतारा कॉम्प्लेक्स के अंदर अस्पताल है, हेल्थ केयर सेंटर है और रिसर्च सेंटर भी है। जानवरों के लिए 6 surgical centers हैं और वहाँ ICU की भी व्यवस्था है। इसीलिए यहाँ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उपेक्षित जानवरों को लाया जाता है और उनका हर तरह का ख्याल यहीं पर रखा जाता है।
तो अनंत अंबानी के वंतारा रेस्क्यू सेंटर में ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जो दुनिया में इंसानों के किसी फाइव स्टार अस्पताल में मौजूद होती हैं, और ये सब एक दो महीने या फिर साल भर में बनकर तैयार नहीं हो गया, बल्कि ये सब अनंत अंबानी की कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है। वंतारा की कुछ और खासियतें आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या क्या यहां की खूबियां हैं। देखिए, वनतारा में खास इंतजाम क्या क्या है। 3000 एकड़ में 8 करोड़ से ज्यादा यहां पर पेड़ लगाए गए हैं। यह वनतारा रेस्क्यू सेंटर जो है, इसमें खास इंतजाम का हाथियों के लिए 500 ट्रेंड कर्मचारी यहां पर तैनात किए गए हैं। वनतारा के इंतजामों की बात कर रहे हैं, पूरे सेंटर में 2100 से ज्यादा स्टाफ की यहां पर तैनाती की गई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक सेंटर भी बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल, आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल जानवरों के लिए किया जाता है, उनके इलाज के लिए किया जाता है। यह वनतारा में खास इंतजाम है। इसके अलावा 200 से ज्यादा तेंदुओं को यहां पर बचाया गया है, जो कि जंगली जानवर शिकारी कहे जाते हैं, उनका भी संरक्षण संवर्धन हो रहा है। 1000 मगरमच्छों को भी यहां पर बचाया गया। हाथियों के लिए तो अलग से व्यवस्था है। वनतारा में खास इंतजाम क्या है, अफ्रीका और स्लोवाकिया और मैक्सिको से यहां पर ऐसे जीव लाए गए, जीव जंतु लाए गए जिनकी स्थिति खराब थी, विलुप्त तो हो रही 7 प्रजातियां भी वनतारा में खास इंतजाम के तहत यहां पर रखी गई हैं। ये सारे इंतजाम जो हैं, ये फाइव स्टार होटल, फाइव स्टार हॉस्पिटल्स जो होते हैं इंसानों के, उसी के बराबर यहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।